नगर पालिका निगम के कई वार्डों में चल रहे निर्माण कार्य का मुआयना करने पहुंची महापौर रानी अग्रवाल भड़क गई और निर्माण कार्य में गड़बड़ी कर रहे ठेकेदारों को तत्काल निगम आयोग से ब्लैक लिस्ट करने की मांग की। नगर पालिका निगम सिंगरौली के कई वार्डों में रोड निर्माण के लिए आरसीसी डामरीकरण का काम किया जा रहा है। वार्डों में घटिया निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत मिलने पर महापौर रानी अग्रवाल ने निर्माण कार्य का मुआयना किया। इस दौरान हो रही घटिया निर्माण कार्य को देखकर महापौर भड़क उठी और तत्काल निगम आयुक्त पवन सिंह को फोन पर ही ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने और सही ढंग से निर्माण करने की नोटशीट जारी की। वहीं महापौर के गुस्से से हरकत में आई नगर निगम टीम ने पूरी रोड को जेसीबी मशीन से उखाड़ कर दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए महापौर रानी अग्रवाल ने कहा, जनता के पैसे से किए जा रहे घटिया निर्माण कार्य को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। घटिया निर्माण हो रहा है, तुरंत इस पे एक्शन लिया गया और तुरंत यहाँ से नोट सीट हमने कमिश्नर साहब को लिख के दे दी है कि वहाँ पे देखा जाए, या तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और या पूरा रोड फिर से जेसीबी द्वारा उखड़वा के उसको नए सिरे से जैसा भी करना है और तुरंत तत्काल इस पे कार्रवाई हो। और आपके मन पता चला होगा कि जेसीबी से पूरा रोड उखड़वा दिया गया है और उस पे एक्शन भी लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।